और खाइए। हेलो, कैसे हो आप सब? और आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा हरी मिर्च, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि भरवा हरी मिर्च मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मसाले की तैयार कर लेती हूँ। मसालों के लिए मैंने ले लिया है हरी पत्ती लहसुन की, और 6-7 कलियाँ आम की, और ये 6-7 कलियाँ हैं लहसुन की, 2 प्याज और हरी धनिया। तो मैं इनसे मसाले तैयार करूँगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं मसालों को खड़े मसालों को भून लेती हूँ। मैंने 4 बड़े चम्मच धनिया ले ली है, सूखी खड़ी धनिया, और 1 बड़ा चम्मच ले लिया है जीरा, और 1 चम्मच कलौंजी, और 1 चम्मच ले लिया है सौंफ, और 1 चम्मच ले लिया है अजवाइन। तो मैं इन सब मसालों को मैं अच्छे से भून लेती हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि ये बिल्कुल धीमी आंच में भूनूंगी, तभी जलेंगे नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। और इन मसालों से जब खुशबू आने लगेगी तब ये अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए, मसाले पक गए हैं, तो मैं इनको ना ले तो इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको इस तरह से चला देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। मैं पीसूंगी, और तब तक मैं उसी फ्राई पैन में चढ़ा दिया है तेल, और उसमें जीरा और सौंफ, और 1 चम्मच डाल दिया है सरसों, और इसमें मैं बेसन, 1 कटोरी बेसन ले लिया है। तो मैं इसको बेसन को अच्छे से भून लेती हूँ धीमी आंच पे, और अच्छे से मैं इसी तरह चलाती रहूँगी ताकि जलने न पाए। और इस तरह मैं इसको अच्छे से इसको अच्छे से मैं चला देती हूँ। और यहाँ ये ठंडा हो गया है, तो मैं इसको अब पीस लेती हूँ। तो सारे मसाले मैंने पहले रोस्ट कर लिए हैं, उनके बाद इनको सभी मसालों को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से पीस गए हैं। तो अब मैं ये जो बाकी के जो मसाले हैं इसको भी मैं पीस लेती हूँ, जो हरे मसाले हैं, प्याज लहसुन और ये आम की कलियाँ, ये जो हैं इनको भी अच्छे से इसी मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ। और उधर बेसन मेरा भून गया था, तो वो भी ठंडा हो रहा है, तो अब ये भी पीस गया है। ये देखिए, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है। तो मैं अब इसको भी इसी में बेसन के साथ इसको भी मिक्स कर देती हूँ, और ये जो मसाले पीसे थे वो भी मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, तो सभी मसालों को बेसन के साथ मैं मिक्स कर देती हूँ और मसाले तैयार कर लेती हूँ। और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच हींग, और 1 चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, क्योंकि और मसाले मैं नहीं डालती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, और जो मसाले बाकी के थे वो मैंने सूखे मैंने पहले रोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद पीस लिए थे, तो मैं बाकी के मसाले नहीं बाद में डालती हूँ, और गरम मसाला ही डाला है सिर्फ मैंने, और थोड़ी सी हींग डाली है। तो इस तरीके से मैं सारे मसालों को इस तरह से मिला लेती हूँ, और सभी मसाले ये तैयार कर लिए हैं मैंने। अब इन सभी ये जो अचार वाली मिर्च हैं इनको मैं अच्छे से चाकू के सहारे से कट लगा देती हूँ, और ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, और इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है मसालों में, क्योंकि जो हल्की सी बिल्कुल तीखी होती है, तो इसलिए मैंने ज़रा सा भी मिर्ची नहीं डाली है। अगर किसी को मिर्ची अगर तीखा नहीं पसंद है तो इसके बीज निकाल के भर सकते हैं, तो मैंने बीज नहीं निकाले हैं, मैं ऐसे ही भर रही हूँ, क्योंकि मैंने मसालों में मिर्च नहीं डाली है, इसलिए मैंने बीज नहीं निकाले हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ठूंस ठूंस के मसाले भर दिए हैं। और ये बेसन वाली हरी मिर्च है, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है बेसन वाली हरी मिर्च। तो इस तरीके से मैंने सारे ये मिर्च भर लिए हैं मसालों से। तो ये देखिए, तो सारे मिर्च, सारे के सारे मैंने मिर्च भर दिए हैं। ये 1 किलो हरी 1 किलो मिर्च थी, तो इन सभी मिर्च में को मैं अब मैं इस कढ़ाही में 2 बड़े चम्मच डाल देती हूँ तेल। अब इसमें मैंने डाल दिया है कलौंजी, और आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, और आधा चम्मच डाल देती हूँ सरसों। तो ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं
इसमें अब एक एक करके सारी मिर्च डाल देती हूँ इसी में। तो ये इस तरीके से मैं पका लेती हूँ और सारे के सारे इसी तरह मैं डाल देती हूँ। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ये बेसन वाली ये मिर्च भी बनती है, ये रोटी से पराठे से किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें ये बहुत स्वादिष्ट लगती है ये। तो इस तरीके से अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, अब इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि अच्छे से सब उलट पलट हो जाए और सभी एक साथ पक जाए। अब मैं ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। मैंने ये ले लिए हैं 4 उबले हुए आलू, मैंने आलू उबाल लिए थे तो वही मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं इसी में कद्दूकस करूँगी क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक होना है, इसलिए मैं देखिए छोटे टुकड़ों में हो रहा है क्योंकि ये अच्छे से कद्दूकस नहीं हो रहा है क्योंकि ये पके हुए थे टमाटर, और ये फिर भी मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। और यहाँ पर बिल्कुल बारीक हरी मिर्च का काट ले रही हूँ और प्याज भी इसी तरीके से मैं बिल्कुल बारीक ही काट लेती हूँ। तो अब इन सभी चीज़ों का मैं अब बनाऊँगी ग्रेवी। और ये देखिए मिर्च, ये अचार वाली मिर्च ये अच्छे से बन के रेडी हो गई है। तो अब सभी को मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी अभी। तो इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी देर तो चलाती रहूँगी। और मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसमें जीरा और सरसों डाल दिए हैं। तो अब मैं ये मसाले डाल देती हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर है। तो इन सभी मसालों को मैं उसी में डालूँगी और ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च और प्याज, इसको भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ। और ये जब अच्छे से पक जाएंगे तो तब तक ये उसके बाद फिर टमाटर को डाल देती हूँ और इसको भी मैं पकाऊँगी। और इसमें टमाटर में डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, ताकि नमक डालने से जब टमाटर में नमक पड़ जाता है तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर के साथ ही नमक डाल दिया है। और अब मैं ये जो मसाले निकाले थे मैं ये सब डाल देती हूँ। अब इनको भी अच्छे से पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से मैं ये सभी को पका लेती हूँ और ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी। और इसमें जो मैंने दो दो ही आलू कद्दूकस किए थे तो वो मैं अब इसी में डाल देती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें इस आलू को मसाले के साथ इस मिक्स कर देती हूँ और ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी पानी। तो अभी पानी थोड़ी देर के बाद डालूँगी क्योंकि अभी ये और पक जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ मैं क्योंकि बहुत पतला नहीं करना है। तो इसलिए ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा ही डाला है। तो अभी ये देखिए ये भी अच्छे से पक गया है और ये भरवा मिर्च बन के रेडी हो गई है, बेसन वाली भरवा मिर्च। इसमें मैंने बेसन मिलाया है मसाले के साथ, तो ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये रोटी से पराठे से किसी के साथ भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो अगर एक दो रोटी खाने का मन होगा तो 4 रोटी खा जाएंगे आप। तो इस तरीके से मैंने इसी ग्रेवी में जो भरवा मिर्च बनाई है वो 4 इसमें ग्रेवी में डाल दिया है। तो ये भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है और इसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए तो कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो इस तरीके से मैंने ग्रेवी वाली भरवा मिर्च भी बना ली है। तो ये बहुत सबको ये इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप भी बना के खाइए, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा और ये ग्रेवी वाली ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलते हैं
नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।